हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था, इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। वहीं मालदा में कांग्रेस पार्टी भाजपा के वोट बैंक में लगातार सेंध लगाकर अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा और बसपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने का सिलसिला जारी रहा, जहां दर्जनों भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बसंती आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। ये तो बहुत बड़ी जीत है आज कांग्रेस की, और भाजपा के मुंह पे एक तरीके से बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है, जो कि जो बूथ आज तक भाजपा फर्स्ट पे रही है, आज वो बूथ कांग्रेस का हो गया है। तो इससे बड़ी जीत हमारी क्या होगी। हमने कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है यहां पे? आज तो कम से कम 25-30 लोगों ने तो ज्वाइनिंग की है, और हमारा सपना यह है कि लोग कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं इस बार के कांग्रेस भाजपा को बिल्कुल मुक्त कर देंगे मालदन से। क्या लगता है यहाँ से कितना वोट बैंक आपको मिल सकता है? तो डम सेकंड साथ जो आपने ज्वाइनिंग कराई, नंबर वन पे रहेगा बूथ हमारा, और मालदन में भी नंबर वन पे रहेंगे हम। आप भी कुछ समय आपने ही भाजपा में काम किया है, और आपने भी भाजपा त्रस्त होकर जिस तरीके से आज यहाँ दामन थाम लिया था कुछ समय पहले, तो आपको क्या समस्याएं रही और किस तरीके से आप जो आशाएं थी आपको दीवान सिंह जी से वो पूरी नहीं हो पाई आपकी, जो आपने कांग्रेस ज्वाइन की? मैंने तो कम से कम 17-18 साल भाजपा में गवाए हैं, और मैंने जिला पंचायत भी भाजपा से लड़ा इलेक्शन, उसके बाद एक तरीके से बहुत टाइम अपना बर्बाद कर दिया। ये बात है ना, हमने तो करीब 15 साल हो गए, एक बार हारे दो बार जिताया दीवान सिंह बिष्ट को भाजपा के, लेकिन हमारे 5 साल तो ऐसे निकले कि बिल्कुल काम ही नहीं हुए। इस बार थोड़े बहुत हुए, पर उनने मुड़ के फिर भी नहीं देखा इस साइड में। तुम्हारिया डाम कैसे रास्ते कच्चे रास्ते, बिल्कुल किसी का आज पैदल जाने का भी मन नहीं करता। मालदान क्षेत्र में जाते हैं या पतरामपुर में जाते हैं। तो लंबे समय से आपने भाजपा के लिए काम किया, उसके बाद ये अनदेखी हुई, इसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो आपकी समस्याएं हैं वो कांग्रेस दूर कर सकती है? करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। जब जीत के जाएगा यहाँ से तो करेगा, नहीं करेगा तो हम फिर अगले 5 साल फिर और पार्टी को देखेंगे। कितना वोट बैंक यहाँ पे होगा जो भाजपा का वोट बैंक था जिसके साथ आपने ज्वाइनिंग की है? वोट बैंक है लगभग 700-800 है वोट, जो तमड़िया डैम सेकंड के कुछ इसमें है तो ज़्यादा, उसमें कम 400 वोट लगभग जाते हैं फर्स्ट डैम में, बाकी 700-800 वोट है यहाँ पे तमड़िया डैम सेकंड में डलते हैं बूथ पे। ऐसा है, भाजपा के राज में जनता त्रस्त हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई है। जनता ने जो सोच के भाजपा को वोट किया था मालदन की जनता ने कि हमारा विकास होगा, 64 गेट से ढेला पुल तक जो सड़क थी 5 साल में नहीं बन पाई विधायक जी से, उसका करारा जवाब जनता देने को तैयार बैठी है 14 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर। और जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर लगातार जो है हर रोज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। उनको आने वाले समय में हमने कहा आपको भरपूर पूरा सम्मान दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य यह है कि मालदन चौड़ का एक तरफा विकास होगा, जो विकास हमारे 10 सालों में रुके हुए हैं वो विकास हम माननीय रंजीत राव जी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी द्वारा पूरा होने की पूरी संभावना है, और वो पूरा करेंगे ऐसा हमको आशा है। ये जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का लास्ट दिन था, और इस तरीके से आपने आज यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई है भाजपा के कार्यकर्ताओं कांग्रेस में, ये एक बड़ा झटका भाजपा के लिए, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये नजरिया हमारा साफ तौर पर है कि जो विधायक बने हैं वो डाम में आके सिर्फ और हर बर्थडे में पार्टी में आ जाएंगे, मच्छी और भात को खा के जाएंगे, लेकिन बाकी काम करने के काम की दिशा में जो काम नहीं करते हैं। और आज हमारे बीच में मनजीत प्रधान तुम्हारे नाम सेकंड से जो जुड़े हैं, उनका भाजपा से कई दिनों से ये था कि भाई हमें क्षेत्र का विकास करेंगे, जो हमारी जनता कच्ची सड़कों में से निकल रही है, हमारे गन्ने के ट्रालियाँ जो एक एक ट्राली को 5-5 ट्रैक्टर खींच रहे हैं तब यहाँ से निकल पा रही है, और वो जब पीड़ित हो गए दुखी होकर जनता के फायदे के लिए उन्होंने आज कांग्रेस को चुना है, और उनका मैं पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और उन्हें आशा विश्वास दिलाता हूं कि आप आने वाली विधानसभा सरकार में कांग्रेस की सरकार में आपके मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे माननीय रंजीत राव जी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी के द्वारा।
हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।